आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे किसी भी राज्य में जब चुनाव होते हैं तो चुनाव की डेट जैसे ही ऐलान होती है यानी कि तारीख का ऐलान होता है उस दिन से लेकर जब तक कि रिजल्ट नहीं आ जाते हैं उस चुनाव के तब तक आपकी आदर्श आचार संहिता लागू रहती है। और मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों ने इसे ना सुना हो, आप सभी लोगों ने सुना जरूर होगा क्योंकि हमारे देश में आप देखते हैं कि हर साल आप देखिए कहीं ना कहीं चुनाव होते ही रहते हैं। लेकिन हाँ ये अलग बात है कि अधिकतर उम्मीदवार हो या फिर हमारी जनता हो जिसे आप लोग वोटर्स कह देते हैं मतदाता कह देते हैं इन्हें इसके बारे में मालूम नहीं रहता है कि आखिर आदर्श आचार संहिता का मतलब क्या है, इसमें होता क्या है, इसमें क्या नियम बनाए गए और इसे लाने का मकसद क्या है, आखिर उद्देश्य क्या है, क्या जरूरी थी कि इसे लाने की जरूरत पड़ गई। इस सब पर हम लोग आज की इस क्लास में विस्तार से बात करेंगे। और आप देखिए कि अगर आपकी राजनीति में दिलचस्पी है तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए। और वैसे अगर आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरह से टॉपिक हो जाता है। और एक हम लोग हाल में ही उदाहरण लेंगे, उदाहरण देकर आपको समझाएंगे उत्तर प्रदेश का, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में आपका विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर हम लोग एक खाका खींचेंगे और आराम से आप लोगों को समझ में आ पाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये आदर्श आचार संहिता क्या है। तो आपको बता दूं कि देखिए चुनाव का मतलब, लोकतंत्र का मतलब यही होता है कि आप निष्पक्ष और बिना डर के आप किसी को भी वोट दे सकें, आप किसी को भी अपना नेता चुन सकें। अब आप सोचिए कि चाइना को उदाहरण ले लीजिए आप लोग, आप सभी जानते हैं कि चाइना में आप अपनी आवाज नहीं उठा सकते हैं, वोट देना तो दूर की बात है। तो क्या चाइना को हम लोग लोकतांत्रिक देश कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। भारत में आप देखिए कि काफी हद तक, अभी वर्तमान की बात कर रहे हैं, चुनाव आयोग से तरह तरह के नियम आते रहते हैं। अगर आपको कोई दबा रहा है, कोई मार रहा है, पीट रहा है, दबाव में रख रहा है तो आप चुनाव आयोग में शिकायत भी कर सकते हैं। तो इसे ही लोकतंत्र एक तरह से कहते हैं कि आपको निष्पक्ष तरीके से आप जिसे चाहें उसे वोट डाल सक रहे हैं, आपको अधिकार दिए जा रहे हैं और अपने अधिकारों का उपयोग भी कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी आप देखिए कि हम लोग सबसे बड़े, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक होने का दावा करते रहते हैं, लेकिन जब भी आपके लोकतंत्र के जो इंडेक्स निकलते हैं, डेमोक्रेसी इंडेक्स निकलते हैं, उसमें हमारी स्थिति बहुत बुरी रहती है। तो ना तो एक तरह से आप कहिए कि कुछ प्रॉब्लम रहती होगी, तभी तो ये स्थिति बुरी रहती है। तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में चुनाव को एक उत्सव जैसा मनाया जाता है और सभी सियासी दल और वोटर्स मिलकर इस उत्सव को मनाते भी हैं। और चुनाव की इस अपराधी आपाधापी में मैदान में उतरे उम्मीदवार अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए सभी तरह के हथकंडे आजमाते हैं। और ऐसे माहौल में सभी उम्मीदवार और सभी राजनीतिक दल वोटर्स के बीच जाते हैं और ऐसे में अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को रखने के लिए सभी को बराबर का मौका देना एक बड़ी चुनौती बन जाती है। लेकिन आदर्श आचार संहिता इस चुनौती को काफी हद तक कम कर देती है। अब उत्तर प्रदेश की बात क्यों की हुई है? आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में जो लोग 5 साल कोरोना के टाइम भी आपने देखा होगा, जिनकी शक्ल नहीं देखी आपने, वो भी आपके बीच आ रहे होंगे चुनाव के टाइम। आप सोचिए कि जो सत्ता पार्टी है उसके पास पैसा होगा, दौलत होगी, उसके पास तरह तरह की एजेंसियां होंगी, और आप देखिए दूसरा विपक्ष होगा वो कमजोर होगा। तो दोनों को एक तरह से बराबर की सुविधा मिल सके, बराबर भी रह सके, इसके लिए आप कह सकते हैं कि आदर्श आचार संहिता काफी हद तक एक तरह से अपना काम करती है। समझ रहे हैं आप लोग? और इसमें अगर हम लोग बात करें तो जिस दिन चुनाव की तारीख का ऐलान होगा उस दिन से लागू हो जाएगी आपकी आदर्श आचार संहिता और जब तक कि इसके रिजल्ट नहीं आ जाते हैं, नतीजे नहीं आ जाते हैं, तब तक ये बनी रहती है। और दरअसल मैं आपको बता दूं कि ये दिशा निर्देश या फिर आप लोग नियम है जिन्हें सभी राजनीतिक पार्टियों को मानना होता है और इन्हें इनका मकसद चुनाव प्रचार अभियान को निष्पक्ष और साफ सुथरा बनाना और सत्ताधारी राजनीतिक दलों को गलत फायदा उठाने से रोकना होता है और साथ ही सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग को रोकना भी आदर्श आचार संहिता के मकसदों में शामिल होता है। एक बात अभी बता देता हूं आप लोगों को, देखिए उत्तर प्रदेश में आप सभी जानते हैं कि अभी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। तो देखिए योगी आदित्यनाथ अभी चाहे तो किसी भी जिले में जा सकते हैं, सरकारी पैसे का
उपयोग कर सकते हैं, अपनी बैठकें कर सकते हैं, और वो उसका नाम दे देंगे कि हम सरकारी काम का उद्घाटन करने के लिए जा रहे थे, ये काम करने के लिए जा रहे थे, वो काम करने के लिए जा रहे थे। लेकिन आप देखेंगे जैसे ही जो आपकी आदर्श आचार संहिता है ये लागू हो जाएगी, तो फिर अगर योगी आदित्यनाथ को कहीं इस तरह की मीटिंग करनी है या बैठक करनी है या रैली करनी है, तो उसके लिए आपको बता दूं कि अपना पैसा खर्च करना होगा, बीजेपी को अपना पैसा खर्च करना होगा। सरकारी, आप देखिए कि एरोप्लेन अभी कहीं भी वो सरकारी पर चल रहे हैं, वहां जब प्रचार, चुनाव प्रचार के लिए सरकारी एरोप्लेन का उपयोग नहीं कर पाएंगे और ना ही सरकारी जो भी और मशीनरी है उसका उपयोग कर सकेंगे, ठीक है। और आदर्श आचार संहिता को राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए आचरण फिर व्यवहार का पैरामीटर माना जाता है, एक तरह से नियम माने जाते हैं कि इन्हें आप लोगों को मानना चाहिए, ठीक है। और याद रखिए कि आदर्श आचार संहिता किसी कानून के तहत नहीं बनी है, यह सभी राजनीतिक दलों की सहमति से बनी है और विकसित हुई है। मान लीजिए आप किसी गांव में रहते हैं, अभी आप सभी गांववासी ये क्या करें कि एक सभी बैठक करें, उसमें कुछ नियम बना दें कि हमारे यहाँ ये नियम रहेंगे, इन नियम को आपको मानना पड़ेगा। तो एक तरह से आप कहिए कि इसी तरह की सभी राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर ये नियम बनाए हुए हैं, ठीक है। अगर सबसे पहले हम लोग बात करें कि सबसे पहले ये आदर्श आचार संहिता कब चर्चा में आई थी, तो ये 1960 में केरल विधानसभा के दौरान आदर्श आचार संहिता के तहत बताया गया कि क्या करेंगे आप लोग और क्या नहीं करेंगे, समझ रहे हैं आप लोग। फिर आप देखेंगे कि 1962 में आपके लोकसभा के आम चुनाव होते हैं, पहली बार चुनाव आयोग ने इस संहिता को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में वितरित किया था, यानी कि जो नियम बनाए गए थे, जो इसमें एक तरह से रखे गए थे पॉइंट, उन्हें जो भी राजनीतिक पार्टियां थी उन तक पहुंचाया। और इसके बाद आप देखेंगे 1967 के दौरान जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में पहली बार राज्य सरकारों से आग्रह किया गया कि वे राजनीतिक दलों से इसका अनुपालन करने को कहें, और कामोबेश ऐसा हुआ भी। और इसके बाद से लगभग सभी चुनाव में आदर्श आचार संहिता का पालन होता रहा है। उसके बाद अगर आप देखें कि चुनाव आयोग, समय समय पर आपने देखा होगा कि आदर्श आचार संहिता को लेकर राजनीतिक दलों से चर्चा भी करता रहता है, और ताकि इसमें सुधार की प्रक्रिया बराबर चलती रहे, कुछ नए नियम जुड़ते रहे, कुछ सुधार होता रहे। अब आप लोगों के दिमाग में एक और सवाल आता है कि आखिर इस आदर्श आचार संहिता की जरूरत क्यों पड़ी। आप देखिए, अगर किसी नियम की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी कानून की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उसे लाया भी नहीं जाता है, कुछ तो जरूरत रही होगी। तो एक समय हुआ करता था, मुझे लगता है कि आप लोगों ने मूवियां भी देखी होंगी उस समय की, आप लोग पुरानी मूवियां देखिए, उसमें आपने देखा होगा कि एक बाहुबली बाहुबली चुनाव लड़ता है, वो लोगों को मारता है, धमकाता है, डराता है, और आपने देखा होगा कि बूथ कैप्चरिंग करता है, बैलेट बॉक्स को लूट लेता है, उसे जला देता है, इस तरह की तरह तरह की हिंसा होती है चुनाव में, समझ रहे हैं आप लोग। चुनाव में आपने देखा होगा कि पैसा बांटा जा रहा है, शराब बांटा जा रहा है, एक तरह से खुलेआम किया जा रहा है। ऐसे हालातों को देखते हुए आदर्श आचार संहिता रामबाण तो नहीं है पूरी तरह से, इस जो भी चुनावी हिंसा हुआ करती थी, जो भी इस तरह के काम हुआ करते थे, पूरी तरह से तो नहीं रोक पाए हैं, लेकिन हाँ, आशा की किरण बनकर जरूर सामने आई है। अब आप देखिए कि आपके गांव में कोई अगर शराब पीता है, ठीक है, और आप देखिए कि नियम कानून बना दिए जाते हैं सबकी सहमति से कि इस गांव में कोई शराब नहीं पिएगा, फिर भी आप देखिए कोई पीता है, तो उस पर क्या कर सकते हैं बताइए। बस कुछ नियम लागू कर दिए जाएंगे, कुछ सजा रख दी जाएगी कि ऐसा होगा ऐसा होगा, तो वैसे ही आप लोग कह सकते हैं इसमें। और अब कहीं भी चुनाव होते हैं, होने पर आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है, और इससे सबसे बड़ा मकसद चुनाव को पारदर्शी तरीके से संपन्न कराना होता है। और इसके अलावा आप देखेंगे, क्या देखेंगे, इसके अलावा समय से पहले विधानसभा का विघटन हो जाने पर आदर्श आचार संहिता में प्रावधान किए गए हैं कि इसके तहत काम चलाऊ राज्य सरकार और केंद्र सरकार राज्य के सभी संबंध में किसी नई योजना या परियोजना का ऐलान नहीं कर सकती है। अब आप देखिए कि अगर आदर्श आचार संहिता हो गई, तो आप देखिए उत्तर प्रदेश में फिर नई परियोजनाओं का एक तरह से ऐलान नहीं किया जाएगा। आप वादे कर सकते हैं कि हम ये करवाएंगे वो करवाएंगे, लेकिन आप शिलान्यास जाके नहीं करने लगेंगे, उद्घाटन नहीं करने लगेंगे कि जनता को आप लोग लुभाने के लिए पैसा बांटना शुरू कर दीजिए, कोई नई योजना ला दीजिए, तो ये देखने को नहीं मिलेगा, ये आप लोग याद रखिएगा। चुनाव आयोग को यह
यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के एस आर बम्बई मामले में दिए गए ऐतिहासिक फैसले से मिला था और 1994 में आए इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि काम चलाओ सरकार को केवल रोजाना का काम करना चाहिए और कोई भी बड़ा नीतिगत निर्णय लेने से बचना चाहिए। तो इस 1994 में आए एस आर बम्बई मामले को भी आप लोग याद रखिएगा। अगर हम लोग आदर्श आचार संहिता की विशेषता की बात करें किसकी, तो भारत में होने वाले चुनाव में अपनी बात वोटर्स तक पहुंचाने के लिए सभाएं होती हैं, जुलूस भी होते हैं, आपने देखा होगा, भाषण भी होते हैं, नारेबाजी भी होती है, पोस्टर भी लगाए जाते हैं। और इसी के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता के तहत क्या करें और क्या ना करें एक लंबी चौड़ी एक तरह से नियम है इसमें, लेकिन हम बात उन्हीं मुद्दों पर करेंगे जो आदर्श आचार संहिता को इतना अहम बनाती है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए इसमें कौन कौन से मुद्दे रहेंगे। प्रचलित आदर्श आचार संहिता में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के सामान्य आचरण के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले तो आदर्श आचार संहिता लागू होते ही राज्य सरकार और प्रशासन पर कई तरह की अंकुश लग जाते हैं और सरकारी कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक निर्वाचन आयोग के तहत आ जाते हैं, यानी कि चुनाव आयोग के अंतर्गत आ जाते हैं, राज्य सरकार की बात नहीं मानेंगे वो, ठीक है। आदर्श आचार संहिता में रूलिंग पार्टी के लिए कुछ खास गाइडलाइंस दी जाती हैं सत्ता पार्टी के लिए, और इसमें आप देखिए सरकारी मशीनरी और सुविधाओं का उपयोग चुनाव के लिए न करने और मंत्रियों तथा अन्य अधिकारियों द्वारा अनुदानों नई योजनाओं आदि का ऐलान करने की मनाही की जाती है। मंत्रियों और सरकारी जो पदों पर तैनात लोगों को सरकारी दौरे में चुनाव प्रचार करने की इजाजत भी नहीं होती है। फिर आप देखेंगे सरकारी पैसे का इस्तेमाल कर विज्ञापन जारी नहीं किए जा सकते हैं, और इनके अलावा चुनाव प्रचार के दौरान किसी की प्राइवेट लाइफ का जिक्र करने और सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने वाली कोई अपील करने पर भी पाबंदी लगाई जाती है इसके तहत आदर्श आचार संहिता के तहत। इसमें आप देखेंगे यदि कोई सरकारी अधिकारी या फिर पुलिस अधिकारी किसी राजनीतिक दल का पक्ष लेता है तो चुनाव आयोग को उसके खिलाफ कार्यवाही करने का अधिकार भी होता है। इसके अलावा चुनाव सभाओं में अनुशासन और शिष्टाचार कायम रखने और जुलूस निकालने के लिए भी गाइडलाइंस बनाई गई होती हैं। आप समझ रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि हमारे देश में ये तो आप लोगों ने देखा होगा इसका दुरुपयोग होता है इस नियम का, इस निर्देश का। आपने देखा होगा जब भी चुनाव होते हैं तो हमारे जो पुलिस अधिकारी होते हैं, सरकारी अधिकारी होते हैं, उनके द्वारा विपक्ष पर या विपक्ष के नेताओं पर इस तरह के दबाव डलवाए जाते हैं, उन्हें जेलों में डाला जाता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, बने हैं उस नियम को मानते ही नहीं। किसी उम्मीदवार या पार्टी को जुलूस निकालने या रैली की और बैठक करने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति लेनी पड़ती है और इसकी जानकारी निकटतम थाने में देनी होती है। आप लोग जहां भी एक तरह से जहां रैली करना चाह रहे हैं उस थाने में आप लोगों को इसकी जानकारी भी देना पड़ेगा, वहां से अनुमति लेनी होगी। एलिपेड, मीटिंग ग्राउंड, सरकारी बंगले, सरकारी गेस्ट हाउस जैसी सार्वजनिक जगहों पर कुछ उम्मीदवारों का कब्जा नहीं होना चाहिए और इन्हें सभी उम्मीदवारों को समान रूप से मुहैया कराना चाहिए। और आप देखिए कई तरह की आपने देखा होगा केस आते रहे हमारे देश में, ऐसा भी कहा जाता रहा है कि सरकारी पैसे पर ही चुनाव होना चाहिए, यानी कि उम्मीदवारों को अपना पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। वरना आप सोचिए कि हमारे देश में आप देखिए आपके पास अगर पैसा है तो आप आराम से चुनाव जीत सकते हैं। कोई आप सोचिए जो पैसे में कमजोर है अगर वो चुनाव लड़ता है तो हार जाता है। तो ऐसे भी कई बार आप देखिए मुद्दे उठते रहे हमारे देश में, लेकिन कहाँ होता है इस तरह का। और ये सभी देखिए दिशा निर्देश इसीलिए लाए गए हैं कि सभी को बराबरी का मौका मिल सके। आदर्श आचार संहिता को लेकर सर्वोच्च न्यायालय क्या कहता है, तो इस मुद्दे पर देश की आला अदालत यानी कि सबसे बड़ी अदालत अपनी मोहर लगा चुकी है। सर्वोच्च न्यायालय इस 2001 में दिए गए अपने एक फैसले में कह चुका है कि चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख से आदर्श आचार संहिता को लागू माना जाएगा और इस फैसले के बाद आदर्श आचार संहिता के लागू होने की तारीख से जुड़ा विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो गया। अब चुनाव में अधिसूचना जारी होने के तुरंत बाद जहां चुनाव होने हैं वहां आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है और यह सभी उम्मीदवार, राजनीतिक दलों और संबंधित राज्य सरकारों पर तो लागू होती है, साथ में संबंधित राज्य के लिए केंद्र सरकार पर भी लागू होती है। आदर्श आचार संहिता के लिए अपनाई जा रही एडवांस तकनीक की बात करें इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है कि जब डिजिटलीकरण और हाईटेक होने का दौर चल रहा है तो भला चुनाव आयोग क्यों पीछे रहे, और आदर्श आचार संहिता को और यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए कुछ समय पहले चुनाव आयोग ने सी विजिल ऐप लॉन्च किया हुआ है और तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान के जो चुनाव हुए थे इसमें इस्तेमाल भी इसका किया गया था। सी विजिल के जरिए आप देखें
तो चुनाव वाले राज्यों में कोई भी व्यक्ति आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का रिपोर्ट कर सकता है। अगर आपको दबाव बना जाता है, अगर आपको लगता है कि इन नियमों का उल्लंघन हो रहा है, कोई अनदेखी कर रहा है, तो आप लोग इस ऐप के जरिए शिकायत भी कर सकते हैं चुनाव आयोग को। और इसके लिए उल्लंघन दृश्य वाली केवल एक फोटो या अधिकतम 2 मिनट की अवधि का वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड भी कर सकते हैं। अगर आप देखिए कि कहीं शराब बढ़ रही है तो उसका आप लोग वीडियो बनाइए, और आजकल स्मार्टफोन है ही आपके सामने, और आप चुनाव आयोग को भेज दीजिएगा, उस पर कार्यवाही की जाएगी, वहाँ चुनाव देखा जाएगा क्या होता है। और इसकी जानकारी GPS के जरिए ऑटोमेटिकली संबंधित अधिकारियों को मिल जाती है, और शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखते हुए रिपोर्ट के लिए यूनिक ID दी जाती है, और यदि शिकायत सही पाई जाती है तो एक निश्चित समय के भीतर कार्रवाई भी की जाती है। और आप लोग जो इस तरह की शिकायत करता है, आपका नाम भी सामने नहीं आएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इस दिशा में आप लोगों को भी सोचना चाहिए, आप लोगों को भी अपनी भागीदारी करनी चाहिए। और यह तो बात हुई इस ऐप के फायदे, लेकिन हम सब यह भी जानते हैं कि नफे के साथ नुकसान भी कुछ होते हैं, और आप सभी जानते हैं कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी तरह इसके भी। तो इस ऐप के गलत इस्तेमाल को रोकने के भी इंतजाम किए गए हैं। यह ऐप केवल आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के बारे में काम करता है, और तस्वीर लेने वीडियो बनाने के बाद यूजर्स को रिपोर्ट करने के लिए केवल 5 मिनट का समय मिलता है, और इसमें पहले से ली गई फोटोज या वीडियो अपलोड नहीं की जा सकते हैं। और हाईटेक होने की दौड़ में सी सिविल ऐप के अलावा चुनाव आयोग ने कई एडवांस तकनीकों को भी अपनाया है। नेशनल कंप्लेंट सर्विस इंटीग्रेटेड कॉन्टेक्ट सेंटर सुविधा, सुगम इलेक्शन मॉनिटरिंग डैशबोर्ड, और वन वे इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट, ये सभी शामिल किए गए हैं। और चुनाव आदर्श आचार संहिता तथा उन उपायों के जरिए चुनाव को निष्पक्ष और साफ सुथरा बनाने के प्रयास लगातार करता रहता है, और इसके लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा भी गया है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि भारत जैसे बड़े देश में चुनाव को केवल आदर्श आचार संहिता के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता है, क्योंकि आप देखिए कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद भी आप देखते हैं कि दुरुपयोग होता रहता है। किसी भी राज्य में आप देख लीजिए, लोकल बॉडी के चुनाव में आप लोग देख लीजिए, शराब बढ़ती रहती है, गुंडागर्दी होती रहती है, पैसे बढ़ते रहते हैं। तो ये तो किया केवल नियम कायदे बनाए गए हैं, अब इनका जनता के द्वारा कितना पालन किया जाता है, जनता कितनी जागरूक है, यही उसे एक तरह से सफल बनाते हैं नियम निर्देश को। चलिए, तो ये कहानी है आपकी आदर्श आचार संहिता की। मुझे लगता है कि सभी लोगों को मालूम ही होना चाहिए इसके बारे में। आदर्श आचार संहिता का सीधा सा मतलब निकाला करिए कि कोई से नियम लागू किए जा रहे हैं आपके क्षेत्र में, आपके चुनाव जहाँ भी जिस भी राज्य में हो रहे हैं, ठीक है, और इन नियम का उम्मीदवारों को और जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन्हें मानने के लिए कहा गया है, ठीक है।